याद रखो जपजी साहब की व्याख्या संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब यह निचोड़ है। मैं ताकि प्रारंभ किया जो संगत रोज सुन रही है उन्होंने तो रिपीट लगेगा जो आप अज आए हो, क्योंकि दो संध्या के दीवान साढ़े को संपूर्ण कर। सब तो पहला जोड़ा सबक सतगुरां ने दिता है वो सवाल है कि यह बंदा रब तो टुटा होया दोबारा कभी जुड़ सकता है। वो प्रश्न है किव सचियारा हुई है कि वो कूड़ा टुटा है, पर यह सचार किवें होवे ते कूड़ दी पाल। कल मैं बेनती की कूड़ दी पाल की है, पाल दर्द वैसे कंध पर्दा भी करनी कि वो कूड़ा टुटा है पाल। पर इतने याद रखो पहला लैसन एवे सचार किवें होई जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह दसवें जामे च कहिंदे आ कि पूर्ण खालसा हो गया। उसकी आरंभता सचियार शब्द तो है जिन्हों गुरु अमरदास कहते जीओ निर्मल बाहरों निर्मल वह सचियार है। थोड़ा जि मैं मिनट पांच सत्त लेने ने भी क्योंकि दो दिन आप होर आ सको इस लड़ी च। हजूर ने कहा भी किवें सचियार हो गए तो नाल फिर उत्तर दिते ने सचियार होने का इको तरीका है बाहर का इशनान नहीं सचियार करेगा, केवल जबान की चुप नहीं तेरे अंदर नूं टिकाएगी, जिन्ने मर्जी वर्त रख ले तेरे मन की तृष्णा नहीं मिटनी ते सारी दुनिया के पदार्थ पल्ले बंद। चौथी गल तू जिन्ना मर्जी सियाणा हो जा कवि बन जा ज्ञानी बन जा विद्वान बन जा हर चलाकी तेरे को होवे इह चतुराई ते सियाणप भी काम नहीं दे। इसे करके गुरु जी आरंभ करते ने सोचा सोच ना हो गई जे सोची लाख वार चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा निरतार भुख्या भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार साहस सियाणपा लख होवे ता इक न चले ना। फिर अगे प्रश्न है किव सचियारा होई है कि वो कूड़ा टुटै पार। एक तो विच उत्तर दे दित्तो ने हुकम रजाई चलना। मैं कल ये व्याख्या आप कर दे इतने हुक्म रजाई लफ्ज है रजा यद अर्थ है खुशी प्रसन्नता। मैं अर्थ किए सन कि हुक्म रजाई चलना जेड़ा रजा का मालिक है जिन्हें अपनी मर्जी करनी किसी की परवाह नहीं उन्होंने हुक्म दे विच चल। तो याद रखी जे तू उलांभे भी देगा कुछ नहीं बनना क्योंकि उन्हें बुरी कलाम ने हुक्म तेरे नाल ही लिख दिता तेन मनना पै तू समर्पण हो हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। फिर अगली गल हुक्म की है कि कल असी वाचा ने फिर दोबारा रात में क्या सी हुक्म एक आदमी के मुंह चो निकलिया हुआ ऑर्डर नहीं, हुक्म एक दैवी इच्छा है। सच ये है हुक्म एक दैवी मर्जी है, हुक्म तो बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर अगे गुरु साहब इस तुक तो सानू अगली पौड़ी च लै गए तेन समझ पै जाए हुक्म की है हुक्म क्या नहीं जाता। फिर दूजी पौड़ी इस तुक की व्याख्या कर रही है कि हुक्मी गोवन आकार हुक्म ना कह आ जाई हुक्मी गोवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बार हुक्म ना कोई नानक हुक्म जे बुझे ता होमै कहे ना कोई। फिर याद रखे वापस फिर चलिए हुक्म रजाई चलना कल आप डिटेल फिर लिखा। फिर जेड़ा हुक्म नू बुझ जाता है वह कभी खोमे च फुंकारे नहीं मारता होंदा है, हुक्म नू बुझण वाला समर्पित होंदा। फिर जिन्हें हुक्म बुझ लिया उहदा जीवन की वह संसार च नहीं दिंदा। गुरु जी कहते रब उन्हें ताकत देता दाता देता सब कुछ देता है जिन्हें हुक्म नूं मान लिया वो अपना नाम नहीं नाल जोड़ता। गावे को तान होवे कि सैतान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाईया चार गावे को विद्या विकम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेख है हादरा हदूर
कथना कथी न आवे तोट कत कत कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए। फिर शब्द आ गया जी हुक्मी हुक्म चलाए राह हुक्म रजाई चलना नानक हुक्म जे बुझे कोई तो चल रही सारिया पौड़ियां हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसे बेपरवाह। फिर अगे गुरु जी कहते सच्यार होने लई साधना करनी पैनी पर वो साधना नजर न जुड़ी। मनुख पुछदा सी किवें हुक्म मनीए किवें होमे मरे। फिर गुरु जी चौथी पौड़ी जी की व्याख्या करते हैं साचा साहिब साच नाही जिहड़ी असीं आने वाले दिनों च करनी भाख्या भाओ अपार आखें मंगह देह देह दात करे दातार। फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार मुंह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला साजना वडियाई विचार करनी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार जे ए नदर मिल गई ना फिर नानक एवें जानिए सब आपे सच्यार। इकला तू सच्यार नहीं इन्हां अंदरों जीओ ते बाहरों निर्मल हो जाएगा जिधर चाती मार के देखेगा सच्यार रब दियां ही चलना पैणगियां। मैं इस करके ये तां पौड़ी चुन मन चावेगा जी सारा जपजी साहिब ने कह रहे हो चार गल्लां सन ते कल नूं फिर इस लड़ी नूं अगे मैं बेनती करांगा। इस करके जिहड़े सज्जन अज आया सिर्फ हुण दूसरा भाई साहिब जी ने शब्द पढ़े गुर का दर्शन देख देख जीवा दर्शन का संबंध साढ़े बीद्या के नाल। मैं अजे गुरु को फतेह नहीं मिलाई क्योंकि मैंने अच भाई साहब ने कहा भी बाबा जी के जीवन संबंधी आप जी ने विचार करनी आप गुरमत गुरबाणी का आधार बना के करा। दर्शन का लफ्जी अर्थ देखने की क्रिया ये बिल्कुल बराबर अर्थ फारसी का एक शब्द है दीदार। गुरु ग्रंथ साहब ने दोनों शब्द वरते दर्शन भी वरते हैं तो दीदार भी वरते हैं। जिवें असीं पाठ करने दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल दीदार की कोई कीमत है। गुरु का दर्शन की है महाराज जी के पाठ सुन रहे सन गुरु का दर्शन देख देख जीवा। उंज पुराने शास्त्रकार कहिंदे ने चार तरीकों का दर्शन होंदा है। सिर्फ मैं संखेप जी बेनती कर जाऊंगा चार तरीकों का दर्शन ते दर्शन का अर्थ है देखने की क्रिया। उंज साडे भारत विच दर्शन लफ्ज जिहड़ा है ये फिलोसफी लई वरतिया जाता है फलाना बंदा दार्शनिक है। हाँ जी असीं खत दर्शन भी कहिंदे आ छे शास्त्रां नूं दर्शन कहा जाता है पर इत्थे दर्शन का अर्थ है देखने की क्रिया। चार तरह का दर्शन है जी एक दर्शन है चित्र दर्शन दूसरा है सर्वण दर्शन तीसरा है सुपन दर्शन ते चौथा है प्रतक दर्शन। उंज वैसे दर्शन की व्याख्या करदे आ ये चार गल्लां ज़हन च जरूर रखियो। पहली गल मैं अर्ज कीती चित्र दर्शन शास्त्रकार कहिंदे कि जदों किसी तस्वीर नूं देखिए किसी मूर्त नूं देखिए अखां नाल देखिए जिन्हों आपां मुहब्बत करदे आ उस तस्वीर नूं देखो ते सच इह तस्वीर देखनी चित्र देखना ये तस्वीर चित्र दर्शन उंज रब की कोई तस्वीर नहीं बनती होंगी। महाराज ने कहा कि चित्रन वहीने के एक है अधीन है परमात्मा चित्र तो विहून है उहदा तस्वीर उहदी मूर्त कोई नहीं बन सकती उहदा रूप रेख कुछ भी नहीं पर है जरूर। फिर अगे मैं बेनती करा चित्र दर्शन का अर्थ है तस्वीर नूं देखना चित्र देखना। दूसरा मैं बेनती की सर्वण दर्शन जिसनों आप नहीं देखिया इन फिर ध्यान में सुनो आप नहीं देखिया चलो अजकल तो फेस टाइम आ गया दूजा तीजा सब कुछ पर जिन्हों पुराने समय नहीं देखिया उसनों चिट्ठी पाता है जसन फोन करता है तो साडा मन ओदी आवाज नूं सुन के अपने आप उहदा ढांचा बना लैंदा इहदा रूप इहो जिहा होवेगा इहदी शकल आपां सिद्धदे हां ये ऐसा होगा तो कई बार जो मिलता है तो आप कहने मैं कुछ होर तरह का नक्शा बनाया सी तुसी होर तरह के निकले
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਹਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਿਆਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੰਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਬ ਦੇਖੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵਧਾ ਬਸੀਐ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪਨਾ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਰਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ, ਰੁਨੜੇ ਬਣੋ ਪੰਖੇਰੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਨੋ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਪੀ ਗਿਆ। ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੋ ਅਕੜੀ ਪਾਈ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਗਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਹੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਸ਼ਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ ਨਿਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਂਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਧਰ ਨੌਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਸਾਏ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਣੀ ਲੈ, ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਰ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਮਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ 13 ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ।
उन्होंने अखा नहीं ते दर्शन का संबंध केवल अखा नाल नहीं जिन्हां दी अखा की जोत नहीं होंदी वो अंदर दियां अखा नाल चरखा पा लें जिन्हों गुरु कहिंदा नानक से अखड़ियां बयान जिन्हें दसंदो माफरी ये असी भाई साहब तो शब्द सुन रहे सा ते मेरी इच्छा सी जो सुनिया मैं थोड़ी जी व्याख्या उहदी जरूर करदा जावां आओ भाई साहब उन्होंने आप संगतां ने बाबा दीप सिंह जी के नाम से यह अस्थान इहदा उद्घाटन किया बनाया है जितनी को मैं सोची है आपां उन्हां दे जन्म तो लैके उन्हां दी शहादत तक की गल करांगे इतिहास ज्यादा होगा खिमा कर दिया जी तो मैं यत्न करांगा बाणी चो बाहर निकल के भी कुछ आप जितने हजूर के चरणों में उपस्थित हो तकरीबन मेरी बेनती है कि घंटे को मूड बना के बैठे मैं वो तां कि मैं भी अजकल गोडे गाडे थोड़ा तंग तूंग कर लग पाया ना जे माइंड बनिया हो पर बंदा टिकया रहे करो कृपा आप जितने बैठे हो तुम असीस बख्श ते ए असीस विखावे मात्र निमरता नहीं भावें जिन्ना मर्जी कोई विद्वान होवे कीर्तनिया होवे प्रचारक होवे और दो ढाई फुट उच्चा भी बैठा होवे संगत च उन्हूं कदी नहीं भुलना चाहिए संगत विच रब वसदा विच संगत हर प्रभ वसे जी आप जी असीस बख्शो आपां उस महान योधे दी उस सूरवीर बचन के बलि दियां बातां कर सकीए आप जितने हजूर दे चरणां विच उपस्थित हो गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो अद्भुत सहित उच्चारण करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जिन्हां दियां सिफतां कीतियां ने उन्हां विच असीं इउं कह सकने आ एक तो गुरु ग्रंथ साहिब च सिफत कीती है पार ब्रह्म परमेश्वर सिद्ध को वडियाई को ते ये भी मैं नाल गल करता जावां सिफत करनी क्यों जरूरी है आपां वाहिगुरु कहने आ सिमरन कर रहे हैं धन धन कह रहे हैं इस गल नूं ज़हन च रख के तुरियो गुरु नानक साहब कहिंदे जिहड़ा बंदा सिफत करेगा रब दी गुरु दी गुरु प्यारे दी वो भाव सागर नूं तर जाए असीं इक वचन पढ़ने तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो अगे की है जिन कीती सो बात तू परमात्मा सच्चा है जिन्हें तेरी सिफत कीती सच एवे सिफत करने वाला एक दिन भाव सागर तो पार हो गया। एक होर बेनती नाल कर दें कोई चीज टुट जाए उंज वैसे महाराज ते बहुत उदाहरण दित्तियां मान लो एक सोने का बर्तन होवे गहना होवे टुट जाए आपां घरों बाहर नहीं सुटते मैटल कोई टुट जाए लोहा टुट जाए पित्तल टुट जाए जदो सोने का चांदी का जां पित्तल का कोई चीज मैटल कोई टुट जाए भांडा जां चीज असी अग दे नाल टुटे हुए नूं दुबारा जोड़ देंगे सच ये हजूर कहिंदा कि जो टुटा हुआ बर्तन अग नाल दोबारा जुड़ जाता है कई जन्मां की टुटी हुई सुरत सिफत कर करके रब नाल जुड़ जाती है सिफत करना उहदे नाल जुड़ना है गुरु साहिब का वचन कहा अंचन टुटै सार मैं क्या सलोक में तो जिक्र काफी किया है कहा कांसी का भांडा कंचन दर ते सोना ते सार दर ते लोहा सोना कांसी का बर्तन ते लोहा कहा अंचन टुटै सार अग्नि गंढ पाए लोहार अगे अखीर ते गुरु जी कहते नानक आख है ये वो विचार सिफती गंढ पवे दरबार जिहड़ा रब की सिफत करेगा वो दी गंढ परमात्मा नाल पवे मैं तां कहा भी गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो पहला सिफत अकाल पुरख वाहिगुरु दी है जिन्हों असी पार ब्रह्म परमेश्वर कहिंदे उहदी सिफत कर लगे हां उहदे गुण गाए गए आउणा आपां बाबा जी दे जीवन संबंधी उस विच जिवें आप पाठ रोज करदे हजूर की बाणी का अंत न सिफती कह न अंत अंत न करना देर न अंत अंत ना वेखन सुन अंत एक
ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਰਿਪੀਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਉਸ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਕਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਿਰਫ ਧੀਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿਫਤ ਲਈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਜੂਹਾ ਸਾਰੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਚਿਰਾਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਨ ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੱਚ ਇਹਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਪ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕਰਤਾ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਖਮ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਪਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝੋ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਖ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਭੱਟ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬੀ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰੀਰ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਖਲਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਰੂਲਵਾ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਐ, ਲਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਔਰ ਆਪ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਲਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ,
किसे गुरु साहब ने गुरु नानक साहब तो बिना किसे भी गुरु साहब वाणीकार ने अपने शरीर दे नाम नू नहीं लिया। उन्होंने जिस शरीर विच जोत वरती ते जेड़ा पहले शरीर दा नाम सी उसे नाम दी वरतू कीती। जिवें महला पहला है ते महला दूजा हो गया पर रिया नानक ही है। महला दूजा हो गया शरीर दूजा आ गया पर किते लिखा भी कहे अंगद त्रेण शलोक ने किते भी गुरु अंगद देव ने नाम नहीं वरते। गुरु अमरदास दी 17 रागां च बाणी आ नाम से पढ़ दो 40 पौड़ियां ने 40 पौड़ियां च नानक पद वरते एक थां ते नानका वरते है। हर आप अमूलक है मुल ना पाया जाए इहदे विच इह भाग ते ना कि नानका वरतिया अमरदास ते नहीं ना वरते। गुरु रामदास दी बाणी 30 रागां च है गुरु अर्जुन देव दी 30 रागां च गुरु रामदास ने अपना नाम नहीं वरतिया गुरु अर्जुन देव नहीं वरतिया। साध संगत जी सच एवे गुरु तेग बहादुर ने 57 श्लोक 59 शब्दां च किते भी उस नाम नूं नहीं वरतिया जिहड़ा नौवें महल्ले दा नाम सी उन्हां शब्द वरतिया नानक। इहदा कारण कि शरीर बदलदा जोत नहीं बदली। उंज असीं वैसे कह दिंदे आ कथा करदे करदे गुरु नानक दी पंजवीं जोत ने प्यारे जोत इक्को ही जे शरीर पंजवां है ਜੋਤ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਹੁਵਚਨ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 10 ਨੇ ਜੋਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਨਕ ਪਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੋਰ ਮਰਜ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਲਈ ਝੂਠ ਮੱਤ ਬੋਲੋ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖਰ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਸਭੇ ਕਾਇ ਸਭੇ ਲਵੇ ਥੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਕਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰਤੜੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਗ ਜੈਜਾ ਬੰਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਗ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਗਾਥਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਬਰ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੌ ਬੋਲੇ ਅਫੁਨੇ ਤੇ ਚੌ ਬੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵਈਏ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕਾ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਦਿਓ ਸਮਤ ਦਿਓ
पूरे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ब्योरे की कथा बोल के हो जाए भी ये जो सरलेख आए ने कल दे आए उत्थे असीं पढ़दे हां श्लोक 12 ते वधीक इहदा मतलब ये वे कि जिहड़े श्लोकां दा तुसीं पाठ कर लगे हो ये श्लोक 12 तों वधे होए ने जिहड़ियां 20 12 दे श्लोक ने ये उहनां तों अगे वधे होए ने फिर सुणो जिहड़े सवैये की कारण कि भट्टां दे सवैयां तों पहलां गुरु अर्जुन देव दे सवैये क्यों ने सवैये सिर मुख वाच असीं पढ़दे हां पंजवें पातशाह एक बेनती फिर ध्यान रखो एक क्यों क्यों दा तर्क नहीं हजूर ने जदों अपनी रसना तो सवैये उच्चारण किए ते सब तो पहला गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक दी सिफत दे सवैये उच्चारण किए जे काटी सिलक दयाल प्रभ सेजन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसिया ते इत उत सदा मुक्ते जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखान है वाहिगुरु गुरु नानक साहिब दी सिफत गुरु अर्जुन देव कहंदे आ मेरी रसना एक है गुरु नानक तेरे बेअंत गुण ने मेरे च ताकत ही कोई नहीं मैं तेरे गुणा नु बयान कर सका तो भाई सिखो आपा केड़े शब्द वरते हैं गुरु नानक साहिब जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखान है हां के बल 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 सब बलकार मेनू इंज प्रतीत हुंदा है ਇਹ ਸਵੈਯੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭੱਟਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੜਦਿਆਂ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੱਟ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਭੋਖਣ ਪਰਖ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾਇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਵੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਤਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਰੱਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਵਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤਿੰਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਕਰਮਦਾਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਅਨਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ
मैं दूजा शब्द पढ़िया सिख, असी बच्चों कहेंगे गुरु टीचर, यही कहेंगे मास्टर, असी बोल पाएंगे उस्ताद मुर्शद। नहीं प्यारियो, टीचर ना अर्ज करो। सरदार कपूर सिंह जी का नाम तुम सुनिया होना सारे, आईसीएस साची साहब की बड़ी प्रचलित है, पर उन्होंने जो गुरमत संबंधित लिटरेचर है प्लीज एक बार जरूर पढ़ियो। गुरु गोबिंद सिंह की बैसाखी, उन्होंने एक लेख लिखा कि गुरु सिख सिंह ते खालसा। मैं सिर्फ दो की गल करांगा क्योंकि मेरी इच्छा है जिस गुरमुख ने लिखा होगा नाम कभी स्टेज पर लुकाना नहीं चाहिए, उसकी मेहनत है जी। सरदार कपूर सिंह कहते हैं कि गुरु के अर्थ टीचर मत करो, मास्टर प्रोफेसर मत करो। टीचर बौद्धिक ज्ञान का आदान प्रदान करता है, ते गुरु पार ब्रह्म दे विच अभेद है। गुरु कोल इन्नी ताकत है करोड़ों जन्मां दे मरे नूं भी जिंदगी बख्शदी। फिर बेनती, टीचर अर्थ नहीं टुकने जी, शब्द नहीं टुकना गुरु दे, लव सिर्फ गुरु परमेश्वर टुकेगा। वह कहिंदा गुरु अंदर रब वर्तदा है, ते तुसीं इस तरह अर्थ उहदे टीचर ना करो, उस्ताद ना करो। टीचर उस्ताद अनेक हो सकते हैं, गुरु सिर्फ गुरु नानक। अगली गल कहिंदा सिख दे अर्थ असीं करने स्टूडेंट, सिख्यार्थी, विद्यार्थी, जिहड़ा सारी जिंदगी सिख दा गुरमुख बिल्कुल सच सीखना चाहिए। पर सिख दे अर्थ केवल स्टूडेंट ना करिए, विद्यार्थी ना करिए, सिख होवे जिहदे विच गुरु वर्तन लगे। फिर बेनती, गुरसिखा अंदर सतगुर वर्तै क्या। जिहड़ा अर्थ एक होर गल इह वे भी गुरु ग्रंथ साहिब विच डिक्शनरी वाले अर्थ नहीं। मैं थोड़ा जहा विशा लिया कोई जहाँ तो मैं मैं कल परसों का हिसाब किताब ला लिया, कथा करना भी मेरी गल जिनी को करना जरूर संगत इन झोली च पाएगी, समझेगी, असीस देगी। गुरु ग्रंथ साहब जो तुम बहर हो जी सन गुरु ग्रंथ साहब चो ये कोई कोश थोड़ा गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब किसी भी शब्द के कोशगत अर्थ नहीं मिलेगी, कोशगत समझ गए नहीं, डिक्शनरी के तौर पर नहीं, परिभाषा मिलेगी, परिभाषक अर्थ मिलेगी। हुण मान लो मैं कई बार कहना कोई बंदा यह पूछे जी ब्रह्म ज्ञानी के अर्थ की ने, गुरु ग्रंथ साहब से दसो। कोश वेखो तो कोश में लिखा होगा जो ब्रह्म का ज्ञाता वो ब्रह्म ज्ञानी। गुरु ग्रंथ साहब के भी परिभाषा देगा, अखरी अर्थ नहीं देगा। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख है एक सिर कोए, नानक ए लक्षण। यह परिभाषा डिक्शनरी में परिभाषक अर्थ हो गए। हुण पूछिए जी सत गुरु कोश अर्थ करेगा सच्चा गुरु, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहेगा सतपुरख जिन जानिया सतगुरु किस कारण। हुण सिख अर्थ कोई पूछे असीं यही दसांगे बच्चों विद्यार्थी समझण वाला, पर गुरु रामदास सिख की पहली परिभाषा गुरु ग्रंथ साहिब लिखते हैं गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए। यह परिभाषा है कोशगत अर्थ नहीं। सो भलकै उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भलके प्रभाती, इसनान करे अमृतसर नावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलबिख पाप दोख लै जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदिआं उठदिआं हर नाम ध्यावै, जो सांस गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावै, जिसनु दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै। इथों तक जांदिआं जांदिआं फिर जदों गुरसिख बन गया, महाराज कहते जन नानक धूल मंगे इस गुरसिख की जो आप जपे अपना नाम जपावे। मेरी बेनती है, देखो मैं फिर दोबारा गल कर लगा, पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत है, गुर परमेश्वर की सिफत है। तीसरी मैं बेनती की इबादत करने वाले गुरमुख की सिफत है गुरु ग्रंथ साहिब, पर दो किस चीज का है क्योंकि तुम भी सच्चे हो। कई बार बंदियां दा जीवन ओने पद्धर का नहीं हुंदा, फूक छकाने वाले झूठियां सिफतां करी जांदे आ, क्योंकि सच्चे शब्दां नूं झूठे बंदे नाल जोड़ के जदों सिफत करदे आ फिर लोग शक करदे आ भी इह ते इहो जिहा है नहीं, ते बाणी इह कहिंदी। मैं आप नूं तां कहांगा जे नहीं भी कोई, पर इस सिधांत नूं ना मिटाओ भी गुरु दे सिखां दी सिफत नहीं, कमाई वालियां दी सिफत है, संत दी सिफत है, गुरमुख दी सिफत। इथों तक भाई साहब कल शब्द वर्ग धन धन बाबा दीप सिंह, मैं हर साल शहीदा जो कथा करना बाबा जी के जन्म दिहाड़े से
जाके मंजी साहब जी पाऊ भी तिना थां दे बजाना आपो अपनी भावना है कभी शहीदां भुलना नहीं चाहता। मैं याद है बहुत साल पहला मैं एक यहूदी इंजीनियर के इंटरव्यू पढ़िया मैं ना भूल गया वैसे गल पता मैं की सी वो बंदे ने मरण तो कुछ महीने पहला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत टॉप का इंजीनियर से बड़ी वही जॉब उन्हें छड़ दी वो थां थां ते जाके लोग लभदा रहा जिहड़े हिटलर के जुल्म नाल मारे गए जिन्हां ते जुल्म होया बजुर्ग हो गया उन्हें कहिंदे पुछया गया अंतले समय पत्रकारां पुछया भी सानूं इह दस तूं नौकरी छड़ के खटिया की ते सवाल करन वाला भी यहूदी सी उन्हें कहा तेनूं इह पता है भी मरन तो बाद कित्थे अगे जाणा वो बजुर्ग कहिंदा हाँ जाणा कहिंदा तुसीं भी जाओगे ते मैं भी जाऊंगा तुसीं अगे जाओगे जाके दसोगे मेरे इन्ने टीवी चैनल मेरे इन्नियां इमारतां इन्ने प्लाजे इन्नी जमीन इन्ना बिजनेस इन्ना कुछ मेरा उत्थे शहीद खलोते होणगे तुसीं इह दसोगे असीं आह कुछ कमा के आए हां ते जदों मैं जाऊंगा मैनूं पुछणगे तूं सब कुछ अपनी नौकरी गवा दित्ती की लै के आए मैं इक्को गल कहांगा मैं सारी जिंदगी तुहानूं याद करदा मैं थोड़ी याद लै के आया उंज सिख रोज याद करदा धर्म निभा रहा सिखी केसा सुहासा नाल निभाई तिना दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी असीं रोज याद करने मैं फिर उस विषय से आने चाहना मैं इतिहास तो पहला चाहना भी साढ़े मन च रती मात्र भी यह फुरने न उठे सिख की सिख गुरु ग्रंथ साहब तो कहते हैं कुछ नहीं कर जोगा वह अपनी जबान से ताला ला किसी की निंदा करने की थान कमाई वाले नूं बाबा जी कह देगा तेरे लेके मिल जाए महाराज का वचन दर तुद सलाहन तिन धन पर लै नानक धन सोई जे को जियो कह उन्हां को जम की तलब ना होई आप रोज ये पढ़ तेरी अष्टपदी धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आमन का एक है स्वभाव जन कह संग चित आवे ना आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। इस तो अगे चलिए हुण इह तां बहुत बाणी तां भरिया पिया भरपूर पिया भंडारा गुरु गोबिंद सिंह महाराज नदेड़ की धरती ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी दित्ती हाँ जी उंज शब्द की प्रधानता आदि युगादी है मैं कल भी शायद परसों कहा जिस दिन कथा शुरू की दूजे दिन वो सिखो जो अखर नहीं सन शब्द उदों भी सी इतों तक कि गुरु नानक साहब के आगमन तो पहला भी शब्द गए बाबा फरीद उस तो तीन सदिया पहला बोल रहे जय देव उस तो पहला बोल रहे बाणी आदि युगादी है शब्द आदि युगादी है पर जो असं हजूर सच्चे पातशाह देखते हैं उन्होंने नदेड़ की धरती से मत्था टेक दिता अपने चोले को समेटन तो पहला उन्होंने तीन गल्लां कही आप सारे कथा सुनते हो सारे कहते कह लगे खालसा जी उंज तां 52 वचन ने महाराज दे तीन गल्लां मेरिया चेते रखियो महाराज की कह लगे कीर्तन की पूजा नहीं करनी देव पूजा नहीं करनी पूजा अकाल की टाइमलैस दूसरा परचा शब्द का परचा अर्थ परिचय उंज परचे दे बहुत अर्थ ने ढेर लाना स्टडी करनी इत्थे परिचय का अर्थ है अभ्यास जे करना है रूहानियत का ते गुरु शब्द का करना है किसी होर यंत्र मंत्र का नहीं करना पूजा अकाल की परचा शब्द का फिर काम निबड़ जाना चाहिए सी तीसरा की क्या दीदार खालसे का खालसे को तो मनाफी कर दिता मैं जी गल कही तो अकाल की सिफत कह गुरु की सिफत कह कमाई करने वाले गुरसिख की सिफत कहू गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चा पातशाह कह रहे हैं कि पूजा अकाल की परचा शब्द का दीदार खालसे का मैं ये अर्थ यूं करना हूं दीदार खालसे का करेगा
ते तेन झलक मिलेगी ते परचे शब्द दे वाले पासे जाएगा क्योंकि वो आ बंदगी कर रही जितन शब्द का परचा हो गया परिचा हो गया उदन बाकी पूजा छंद आएगा पूजा सिर्फ अकाल की करेगा भाई नंद लाल साहब बोल नहीं उठे क्योंकि भाई साहब उम्र करके भी गुरु गोबिंद सिंह तो वड्डे सन जी भाई नंद लाल साहब जी के बच्चे गुरु गोबिंद सिंह की उम्र के सन भाई नंद लाल साहब जी के भाई मनी सिंह गुरु गोबिंद सिंह तो 22 साल वड्डे सन हाँ बाबा दीप सिंह उम्र करके छोटे इन्हों का जन्म 1682-80 के दसिया जाता है क्योंकि इन्होंने जन्म बारे वाहगुरु विद्वाना की अपने अपने मत में शहादत तो पिछाण तुरते हैं भी इन्ने साल गिन के 1682-80 के लागे जाके कुछ कहते हैं पर असी जो मनिया जाता 1682 75 साल करवाते हैं हूँ भाई नंद लाल साहब उठे हजूर ने फैसला कर दिया भी असं ये चोले हूँ संकोच देना सचखंड प्याना करना एक फारसी छोटी जी किताब है जो कि मौका लगे तो पढ़ो वह नाम है अमरनामा कुछ कुछ शेर मिले ने गुरु गोबिंद सिंह जो कुछ आखिरी वे उत्ते वर्तारा होया ढाडिया ने फारसी लिखे तो वो जो शेर ने वह जफरनामे के शेर मिलते हैं पंजाबी मिल जाएगा जी डॉक्टर गंडा सिंह ने उलथा कर दिता पंजाबी उत्थे भाई नंद लाल साहब दो तीन प्रश्न करते हैं तनखाहनामा रहतनामा भी वो एक वचन करते हैं हजूर आप जा रहे हो आ चोला जोड़ा है आप जी ने समेट लेना पर सानू एक कृपा करके दसो तुहाडे दर्शन किवें करांगे तुहाडे दीदार किवें हो सकदे महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे नंद लाल मेरे तीन रूपां च दर्शन होणगे सुणियो एक निर्गुण है एक सरगुण है ते एक गुरु शब्द है ये वचन है तीन रूप है मोहे के सुनो नंद चित लाए इहदा मतलब नंद लाल चित ला के सुन मेरे तीन स्वरूप ने तीन रूप ने तीन रूप है मोहे के सुनो नंद चित लाए निर्गुण सरगुण गुरु शब्द कौ तोहे समझाए एक निर्गुण है एक सरगुण एक गुरु शब्द भाई साहब पूछते हैं जी मैनू इहनू खोल के दसो क्योंकि भाई साहब गुरु गोबिंद सिंह बहुत मुहब्बत करते हैं साथ संगत तुसीं असीस बख्शो असीं यतन कर रहे हैं भाई साहब दीआं गज़लां जिहड़ियां ने उह सच्ची मुची फारसी सक्रिप्ट विच दुबारा छपन फारसी विच छपन क्योंकि पंजाबी विच आउंदिआं जांदिआं काफ़ी लफ्ज़ जिहड़े ने ज़बर ज़ेर पेश उह ने क्योंकि फारसी वाली बोली नहीं जांदी जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह नूं नंद लाल भाई साहब करदे आ शायद इन्ना उह करदा मैं कि आनंदपुर साहब होले महल ने कहा उत्थे गुलाल उड़ाते सन मैं क्या गुरु गोबिंद सिंह होले महल्ले वाला दिन है ते भाई नंद लाल कहिंदे ने लोको तुसी सिर्फ केसर दिया पिचकारियां भर भर के एक दूजे ते मार दे हो आ मेरे गुरु गोबिंद सिंह दे खाते जिहड़ी पिचकारी में पई है ना जब इहदे च रुखानियत दा रंग निकलिया इन्हें बेरंगिया नूं सदा लई नाम विच रख दे जिन्हें बेरंगिया दे अंदर रंग दिते बू कर दा अर्थ उन्हां विच नाम दी सुगंधी पैदा अगे भाई साहब कहते गुलाम आप सानिए अस दस्ते मुबारक सतगुरु तेरे हाथ दे विच मुट्ठी च गुलाम पड़िया दस्ते मुबारक सोने हथां च गुलाम आप सानिए अस दस्ते मुबारक जमीनो आसमान रसूल गुरु करद तो एक बारी खत खोल दे जमीन तो लेके समान तक सब कुछ तेरे रंग दे विच रंगिया जाए उस बंदे दी देखो रूहानियत दी उडारी मैं आप नूं फिर बिरते पुछ दे महाराज तुसी कह दिता तीन रूप महाराज कहने एक रूप क्यों गुणते परै नेत नेत जे निगम पूछै ये बड़ा औखा जिहा लगना समझना भी एक रूप होवे जिहड़ा माया दे तीन गुणा तो परे निर्गुण दर ते नहीं कि उहदे च गुण कोई नहीं वह गुणवंतियां गुण दिंदा
इतने निर्गुण नर थे जिदे उते राजगुण तम गुण सतगुण माया बिल्कुल प्रभाव नहीं पाती। तिना गुणा तो परे है नेत नेत जे निगम उचर है जिन्हों धर्म शास्त्र जेडे नेत नर थे ना कि इससे भी आगे है जिन्हों नेत नेत कहते हैं एक रूप मेरा ओ है। महाराज कि हजूर कहते तीन रूप है मोए के सुनो नंद चित लाए निर्गुण सरगुण गरु शब्द कहो तो समझाए एक रूप त्यों गुणते पर नेत नेत जे निगम गुजर है। इस तरह जिमें सारे थावां ते आकाश है ना गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह मैं सारे थावां ते हूँ इन थोड़ा जा फिर सुनियो। असं गुरु ग्रंथ साहब दर्शन एक तो आए जी जी गुरुद्वारे आए जी गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करते हैं ते दूजे पासे तुसी ए पढ़ते हो सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छड़ाई गुरु का वो निर्गुण रूप है जिहड़ा हर थां ते सिख दे नाल है। दूजा महाराज कहिंदे आ दूसर रूप ग्रंथ जी जान फिर मैं उस विषय ते आ रहा पार ब्रह्म परमेश्वर गुर परमेश्वर ते गुर सिख दूसर रूप ग्रंथ जी जान दूजा रूप मेरा गुरु ग्रंथ साहिब है इनो अंग मेरो करमान फिर की कर प्रभात समय करके इशनान तीन प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा करे सुजान अमृत वेले इशनान करके जिथे परकर्मा वाली थां होवे तीन परकर्मा गुरु ग्रंथ साहिब ने करे ए लामा चार कर रहे हैं। चलो मैं फिर के विनती करांगा परकर्मा दे अर्थ ने जी शायद तुहां कथा सुनी होनी है लामा की कथा सी मैं की तकरीबन 22 घंटे की है ये जी परकर्मा जी मैं आप कहने जी एदा की फायदा घूमन का यूनिवर्स का अर्थ की यूनी का अर्थ एक ते वर्ष का अर्थ जरा घूम रहा है संसार का लफ्जी अर्थ ही घूमना है। जे परकर्मा ना होंगी आ दिन चढ़ना सी जे परकर्मा ना होवे रुतां बदलगी गुरमुखो इतों तक जिदन साडे शरीर में खून की परकर्मा रोगी उस दिन बंदे की मौत हो जाएगी परकर्मा तो बिना कुछ नहीं। गुरु जी कहते हैं तीर प्रदक्षिणा करे सुजान अगली गल जो साथ कहे चय करने बात ग्रंथ की पढ़े विचार साथ जिन्हें मेरे नाल गल्लां करदियां ने वो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करे ते भी विचार करे। सुनिए निर्गुण रूप सदगुण मारे तीसरा कहन लगे तीसरा रूप सिख है मोर तीजा रूप मेरा गुरसिख है केड़ा निंदा करने वाला नहीं गुरबाणी रत निस अर होर जिहड़ा दिन रात बाणी विच ही रहता है वो मेरा रूप है। मैं तां आप नूं बेनती कीती अज मैं गुरसिख की गल कर तुरिया इन्नी भूमिका तकरीबन मैं समझ लो भी घंटा ला दिता इस गल ते भी फुरना ना उठे कमाई वाले शहीद नूं जे गुरसिख किसे नूं भी याद करने हां एक समझ के तुरिए दे विच गुरु वरतदा धन धन बाबा दीप सिंह जी आप सब पता होंगे माझे की धरती एक पिंड है बहुमंड अजकल जिला अमृतसर ये नेड़े पिंड है पूला जिथों के भाई साहब भाई तारू सिंह ये नेड़े पिंड सिंघा सिंहपुरा जिहड़ा नवाब कपूर सिंह का है इन्ना कुछ किता जो मैं उत्थे दर्शन करना तो मन कहता है तो अलग ही सारा शहीदा का है। उस पिंड दे विच अज भी संधु परिवार रहिंदे आ मैं वैगुरू मैं इस करके नहीं जात नूं प्रमोट कर रहा क्योंकि पिछोकड़ भी जाना पएगा भाई कान सिंह नाभा लिखता खैरा जट पर असल जो पिंड च जाने जिहड़ा इन्हां दा कुरसी नामा कहे बाबा जी का उस कुरसी नामे के मुताबिक ये सिंधु संधु गोते पर खालसे की जात गोत खालसा ही सिर्फ क्योंकि जब तुम कुर्सी नामा देखोगे कितने ना कितने पहुंचना पड़ेगा। बाबा दीप सिंह जी इन्होंने सन्मानयोग पिता का नाम सी भाई भगता जी कई ने भाई भगतू लिखे पर इतने थोड़ा जहा फर्क पै जाता जो भाई भगतू कहने ना तो फिर सारा ध्यान बाबे आदम के पुत्र वाल चला जाता गुरु रामदास जी बख्शन का जोड़ा हो इन्हों का नाम से भाई भगता जी पिता जी का नाम बाबा भगता जी इन्हां दी माता दा नाम सी माता जिउनी जी माता जिउनी दी कुख चों जो अज दिन मनाया जांदा है जनवरी 26 27 27 मनाने आ
पहला छब्बी का सी कभी छब्बी कभी सताई जनवरी के अखीर 1682 पिंड पाऊगंड विखे सन्मान योग भागा वाली कुख ओदी कुख विचो पुत्र का जन्म होया ते नाम रख्या गया दीप। याद रखो तो सिंह प्रचलित नहीं सी 1699 बाद चुना कुछ विद्वान कहते हैं नाम रख्या गया दीपा। पिता जी बहुत भय पावनी वाले गुरसिख सन क्योंकि उस इलाके च बहुत ज्यादा सिखी का प्रचार सी। मां ने अपने बच्चे नूं गुरुद्वारे ले जाना। कुछ विद्वान ने कहिंदे आ वी ग्रंथी साहिब दे कोल इहनां नूं गुरमुखी पढ़ाउण वास्ते ते पिंड च ग्रंथी साहिब सन ओह पढ़ाउंदे सन। ते जे इह इतिहासिक नहीं मैं पढ़िया ते मैं खुद कहिंदा जदों पाऊ पिंड ने तो उस वक्त इको केंद्रीय स्थान ने श्री दरबार साहिब हरिमंदर साहिब जरूर इह परिवार गुरु रामदास के दर से इनान पान भी करता होगा तो नमस्कार भी करता होगा। भावें कि 1636 तो लैके 1699 तक दरबार साहब का प्रबंध जो मेलिया के हो गया है आपको पता मैं बाबे पृथ्वी चंद की संतान के कोल से प्रबंध माता पिता ने इनू बाणी वाले पासे प्रेरिया। यह परिवार फिर सन 1700 श्री आनंदपुर साहब की धरती बाबा दीप सिंह जी भाई दीपे की उम्र तकरीबन उस वक्त 18 साल की हो चुकी सी। उत्थे पहुंचते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत संचार किया। पांच प्यारे सिरजदिया खालसा सिरजिया गया। मापे तकरीबन 3 महीने ते 11 दिन रुकते हैं। सदा इतिहास कहता है भी बाबा दीप सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी पत्नी अमृत की दात दी जिहड़ियां परंपरावां दसदियां अमृत की दात दी। ये परिवार ने छुट्टी मंगी आग्या मंगी सतगुरु असीं घर जाना चाहते हैं। हजूर ने कहा दीप सिंह साढ़े कोल छड़ जाओ। 18 साल का नौजवान ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कोल रहे गए। बाबा दीप सिंह जी मैं पाऊ पिंड तो चल के ते सत्कार तक आना बस जिन्ना पसंद मैंने जिन्ना इतिहास मिले उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी के कोल छड़ के माता पिता घर आ गए। इस बाबा दीप सिंह जी नूं भाई मनी सिंह जी ने सिक्ख्या देनी शुरू की। मैं आपको क्या वो वड्डे ने ना 1644 का जन्म है भाई मनी सिंह का ते 1680 का जन्म है बाबा दीप सिंह जी का। ते भाई मनी सिंह जी बारे एक मैं कविता आपको सुना देना। इन्नी करनी कमाणी वाले सन गुरमुखो हर पक्ष तो मुकम्मल सन। उन्होंने बारे एक शहीदी विलास ग्रंथ है कितने मौका मिले जरूर पढ़ियो। एक कविता है सेवा सी करंत ते रखंत गुरा पास सदा लिख लिख बाणी करे पोथियां तैयार है भाई मनी सिंह। ये शब्द समझ पाया मैं पंजाबी दे सेवा सी करंत ते रहंत गुरा पास सदा लिख लिख बाणी करे पोथियां तैयार है पढ़ता पढ़ाता ते जतांदा नहीं आप ताई मन नीवा मत उची ए दिल धार है हठी जपी पूरा सी कि सिदक दा पुतला सी साखियां सिकदियां करदा तैयार है सेवा करी इवें किवें बीत गए वर्क कई जुत दे करन विच वड्डा होशियार। भाई मनी सिंह दा जपी ने तपी ने लिखारी ने कथावाचक ने ते सब तो वड्डी गल कि गुरसिखी का मुजस्मा ने भाई साहब जी ये फिर बाबा दीप सिंह ते भाई मनी सिंह उत्थे इन्हां नूं उत्थे फिर तलीम दित्ती कि थमां थोड़ा ही सी उत्थे ते इन्नी तीखण बुद्धि सी इन्होंने उत्थे फारसी भी संस्कृत भी इतिहास भी कथा भी घोड़सकारी भी नेजाबाजी भी। गुरमुखो इत्थे कुछ दिनों तो बाद इन्ने कु समर्पण होकर सेवा की गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी अपने हजूरी सिखा शामिल कर लिया। सिख तो सारी ने ना हजूरी सिख का मतलब यह जिथे हजूर जाते रेंगे। बाबा दीप सिंह हजूरी सिखा की शमूलीयत हो गई। गुरु प्रेम च भेज गए सिमरन करना दिन रात बंदगी करनी। समा आया कुछ विद्वान कहते हैं जो आनंदपुर साहब हजूर ने छे पो रात
मैं भाई साहब तक बेनती करांगा, मेरा छोटा वीर है, जिधर शहीदां दा दिन आवे प्लीज खास करके साके वो सात दिन संगत नू जरूर दस्या करो अज गुरु गोबिंद सिंह कित्थे ने। छे पोह दी रात आपां कथा कीती डिटेल नाल, छे पोह दी रात ते सत पोह दा सवेर सी अमृत वेला। कुछ विद्वान कहिंदे ने भी अमृत वेले, पर नहीं रात दे 10-11 बजे दे करीब हजूर ने छड्ड दित्ता आनंदपुर। उस तो पहला एक वारी अपने बच्चियां समेत पूरे आनंदपुर से विच महाराज घूमिया, ते उस वक्त स्थान इक्को ही सी जिन्हों आप जी शीशगढ़ कहिंदे, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब दे शीश दा सत्कार कीता। जे शीशगंज ना हुंदा ते शहीदगंज नहीं सन बनने। बाबे दीप सिंह दा शीशगंज नहीं, शीश उतरिया जरूर है पर शहीदगंज है। बाबे गुरबख्श सिंह दा शहीदगंज है, भाई तारू सिंह दा शहीदगंज है। गुरु तेग बहादुर ने शीशगंज बना दिता ते सिखां ने सिर लाला के शहीदगंज बना दिता। उत्थे फिर हजूर पिता वाले स्थान ते नमस्कार करते भाई गुरबख्श उदासी नूं कहा जांदा है वी साडे तों बाद तुसीं दीवा बत्ती। मैं कहा सी 29 साल दे करीब गुरु गोबिंद सिंह रहिया, हर रोज पिता जी दी शहादत वाली थां ते मत्था टेकण जांदे सन जिथे शहीदगंज है, ये शीशगंज है। परिवार विछड़ कुछ विद्वानां दा मत कहि के बाबा दीप सिंह उन्हां नूं पहलां ही तोर दित्ता कि तुसी अपने इलाके जाके गुरसिखी का प्रचार करो, अमृत संचार करो। कुछ कहिंदे ने भाई मनी सिंह नाल बाबा जी दिल्ली तक गए। मुख दी गल की चमकौर का जन्म हुंदा है, राती मर्ज कीती वड्डे साहिबजादे शहीद हो जांदे। अठ पोह वड्डे साहिबजादे दुपहर वेले शहीद हुंदे आ, 13 पोह भारत के टाइम मुताबिक 11:15 ते 11:30 के बीच बीच मैं 13 पोह कह रहे छोटे साहबजादे शहीद होते हैं। बाबा जोरावर सिंह इको बार लगता है नीह चिणे है जी, पहला नीह डिगदी कह फिर गोडिया थले रख के बाबा जोरावर सिंह पूरा जोर का टप मारते हैं, वो उस वक्त शहीद हो जाते हैं। बाबा फतेह सिंह की शाह रग वट लेंगे इतों गर्दन तो, ते 12.5 मिंट उन्होंने पैर गिरते रहते, 12.5 मिंट बाद शहीद होते। साढ़े पुराना ग्रंथ एक कथा गुरु सूतन की उच लिखे, जोरावर सिंह जी के प्राण खंडे के साथ बेग छुट गए, फतेह सिंह जी आध घड़ी चरण मार के पे अद्धी घड़ी 12.5 मिंट ली होंगी सह निकलते इन्ना टाइम लगा। हजूर सच्चे पातशाह चमकौर तो माछी वाला साहब चमकौर की गढ़ी में छज तुरे। मैं हर साल उत्थे जाना तो मैं ये अरदास करना, सतगुरु अंतले सवास तक जिन्नी देर तक शरीर चलता है तेरे लाला के खून में मत्था जरूर मैं टेकना। तुम कथा मैं तो उतो एक सिंह ने चिट्ठी पाई मैं, बड़े साल की गल है, असं तानिए जाते भी कानफ्रेंसा करते एक दूसरे के चिकर सकते हैं क्योंकि शहीदों वाले दिन केवल शहीदों की गल करो, उस दिन कोई दूजी गल ना हो। उन्होंने खून न चिट्ठी पाई मैंने, वो चरने लिखे से भाई साहब गुरु गोबिंद सिंह के पुतों के खून का वास्ता एक बारी साल जरूर चमकौर साहब कथा दर्ज आ। उस तो बाद असी जाने सच्ची मुच उठे बख्शिश वर्ग लिखे, सुरत न टिका के देखो गुरमुखो, तुम 2021 च नहीं जो सुरत टिक जाएगी ते तुसी उस वेले चले जाओगे जो गुरु गोबिंद सिंह पुत्रा नूं तोर रहा है। ये समा की चीज है, एक पास जी कहने सिख अकाल चलाना कर गया, अकाल चलाने का मतलब की है, अकाल चलाने का तो जरा समय दी सारिया हदां नूं तोड़ के चला गया, ये समय तो अगे चला गया। गुरु काल च नहीं होता, ये तो कथा वास्ते ने तरीका इवें तरीक नूं आ होया। हजूर सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गड़ी चो निकले, पुत्रा दाशा को निकले माछी वाला साहब गए। हाँ माछी वाले साहब जाद्या हजूर पहला खूह से गए, उतो टिंड खोल के लिया जी ने सराहना किया, जल छकिया। मुख की गल की लाल छोटे शहीद हो गए, सतगुरु मुगत साहब की जंग लड़ी, दमदमा साहब आ गए। जब हजूर दमदमा साहब पहुँचते हैं इतने फिर परिवार दोबारा इकट्ठा होता है,
भाई लल्ला हजूर नूं कहिंदा मैं सेवा करनी है। इहदे फिर माता सुंदरी जी ते माता सहिब देवा जी हुंदे आ, भाई मनी सिंह हुंदे आ। साडा इतिहास कहिंदा इत्थे बाबा दीप सिंह जी भी पहुंचदे आ, दिल्लियों आए कुछ कहिंदे पौगिंड तों आए, मैं कहिंदा भी इह बहस दी बजाए उत्थे पहुंचे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं माता सुंदरी जी अपने बच्चे देखदी ते इत्थे फिर हजूर कहिंदे आ, जो कहते हैं मेरे लाओ तो मैं कहना गुरमुखो पिता जी बनना खाला जी का वाड़ा नहीं, असि गुरु नानक पातशाह कहने, गुरु अर्जुन देव पातशाह कहने, गुरु गोबिंद सिंह पिता कहने। क्यों कहने? उंज तो रब ही पिता, हर जी माता, हर जी पिता, दशमेश पिता क्यों में सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी क्यों कहने पिता? क्योंकि वह पिता गलां नाल नहीं बनिया, वह पुत साढ़े तो वार के सानू पुत बना के पिता बनया, वह दशमेश पिता है। उत्थे हजूर कहते हैं माता सुंदरी जी पुछदे हजूर कहते इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुंडे तो क्या हुआ जीवत कई हजार। चलो ये कवि दी रचनावां, जदों जफरनामा पढ़ने गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं चाह शुद्ध के चूं बचगा पुछता चार, की होया बाबा आम बंदा सदाई हो जा पुत्र वेखोए। मैं सोचना नौ साल का तुहाडा बच्चा, मेरा पोतरा, मेरा दोतरा, वह नौ साल के बच्चे की गर्दन ला दे प्यो दे सीस ते की बिजती महसूस करके। हजूर कहते ने चाह शुद्ध के चूं बचगा चार, चाह चूं बचगा पुछता चार, की होया ते चार पुत्रां दे जिहड़े नां रखे सिरे दे ला दित्ते। मैं इत्थे थोड़ी जी बेनती कर जाना, कहना मैं बाबा जी बारी है। वेखो अजीत सिंह, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा ये चार नाम के देख, ये जिहड़े साडे नाम ने, जे मेरे नाम नाल इंदर लगता है, भाई साहब दे नाम नाल भुपिंदर लगता है, मैनूं दस्सिओ जरूर तुसीं लभिओ सारे, जिन्ना को मैं खोज की नाभे वालियां दे रियासत च पहला नाम आता दविंदर सिंह, फिर पटियाले वाले चाहते एदू पहला किसी के सिख के नाम लो इंदर लीला, फिर ध्यान ना देखियो फिर दोबारा सोच के। जरा नाम है ये मैं यत्न किया कि जिम्मे हम पहले नाम ने आप पढ़ने बोता सिंह, करजा सिंह, अजैब सिंह, अनक सिंह, विचित्र सिंह, उदय सिंह है, जीवन सिंह, ते मेरा ख्याल कि मैं पढ़िया कि ये शब्द नहीं सिखा च मैं वेख्या पहले। हाँ मैं फिर भी क्या मेरा दावा नहीं, गुरु गोबिंद सिंह ने नाम रखा अजीत सिंह, अजीत दर तुम सारे जानते, अजीत दर से जिन्हों कोई ना जीत सके, अजित अडोर अजीत सिंह जिन्हों कोई नहीं जीत सकता, ते किन्हों नहीं जीतिया जा सकता, अगे है जुझार सिंह। याद रखियो जित दे वो हुंदे ने जिन्हां कोल जूझन की ताकत हो, जुझार जूझन वाला, अजीत कह अजीत तां ही क्योंकि जुझार कह वो जुझारू ही जितते ने। इस तो अगे असीं हुंदे आ जोरावर सिंह, ये दो लफ्ज ने जोरा आवर, जोरा मतलब ताकत, आवर दा अर्थ वाला, जूझ दे वो हुंदे ने जिहड़े ताकत वाले हुंदे। फिर रिपीट करांगा अजीत अजित, जितता होवे जिहड़ा जुझारू है, जुझारू होवे जिहड़ा ताकत वाला है, जिहड़ा प्यारे याद रखियो जोर नाल जूझदा वह जितदा, ते जितण वाले नूं फतेह मिलदी। ये चार नाम गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े लाला मिले ना, ये भी सिधांत की व्याख्या करते। इत्थे हजूर ने कहा आचारे मेरे पुत्र चले गए, चाह शुद्ध के चूं बचगा पुछता चार, की होया मेरे चार पुत्र। मैं कहना आ की होया कहना ना, ये दसद गुरु गोबिंद सिंह की अडोल सुरत की हो गया वह, आप कहने कोई टेंशन की होया छठ भरा महाराज कहें औरंगजेब न, तो सोचता होगा मैं रोना वा चा छुद के चू बचगा कुछ तैचार के बाकी देवा दस्त पेची दे मार, अजे मेरा खालसा पुत्र जिंदा है। एक और गल कहते तू चाह है कि चिंगड़ियां बुझ गई कि आतिश दमारा फरोसा तू नहीं, अजे तो अग का भांबड़ बन वाला। मैं गल तुम दसा
14 लड़ाइयां गुरु गोबिंद सिंह ने डिफेंस ने लड़िया, उन्हें वार किए, वो उत्तर दिता रोकया। जिदन गुरु गोबिंद सिंह ने लड़ाई खुद शुरू की उधर जरा पट गया, इस फिर ध्यान में सुनियो मेरे, फिर गुरु को सुनियो। वह हमला कर दिया, गुरु गोबिंद सिंह रोक दिया, 14 लड़ाइया शुरुआत उन्हें की। जिदन गुरु गोबिंद सिंह ने शुरुआत की, याद रखियो 5 तीर दे के तोरिया, उदन क्या बादशाह मैं शुरू करांगा तू रोक के दिखाई। सच्ची मुची बाबरी बंदा सिंह बहादुर ने जड़ा पट के रख दिखा, गुरु ने एक शुरू की, फिर इस तीर तुझे देखो एक शुरू की, उन्हें क्या जुलम की इंतहा हो गई। मैं आपको फिर बेनती करा, उथे हजूर सच्चे पातशाह रोक गया, उथे फिर सतगुरान समा मिलया। मैं उदन क्या सी, फिर उसके गुरुदेव जी ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप दोबारा लिखाया। लिखारी भाई मनी सिंह ने कलम शाही के कागज की दीवार की सेवा भाई बाबा दीप सिंह जी करते हैं। धीर मनिया ने स्वरूप नहीं दिता, उंज वैसे स्त्री पढ़ो त्यारे काफी उदो हो चुके सन, पर जिहड़ी साडी परंपरा है परंपरा सच्ची दिल की, उहदे मुताबिक हजूर ने अपने मुख तो बाणी उचारण की। मैं फिर बेनती करा, मैं गुरु परमेश्वर है प्लीज, उपकाल साहब क्या सी इतने दोपहर की कथा, भाई कान सिंह नाभा जी के पिता नूं पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जबानी कर सी, ये सम्राट सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह ने हजूर ने उत्थे स्वरूप लिखाया। 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां भगवान कहते, इन्ने समय च स्वरूप लिखाया। इतने फिर हजूर ने संप्रदायी अर्थ जेड़े जे समझ गए तो किसी को निंदिए ना प्लीज, मैं ये नहीं कि मैं कमजोरी करके कहना, जे आप अज अमेरिका च आ गए, बापू कभी कच्चे कच्चे ढेर ढारिया च रहा सी, उहदे कच्चे ढारे नूं निंदो ना, अर्थ इस तरह चलते होंगे। हो सकता कल विद्वान अगला को निकल गए बदल के रख दे, इहनूं समुचता च ले गए। उत्थे फिर गुरदेव ने 48 सिंघां नूं गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ बोध कराया, उहदे विच बाबा दीप सिंह जी ने भाई मनी सिंह जी ने उत्थों मुढ़ बजदा अर्थां वालियां टकसालां दा संपर्दा मंगा। इत्थों फिर सतगुरु दमदमा साहिब तों जांदे आ जी दिल्ली नूं, बाबा दीप सिंह जी नूं उत्थे रोक दिंदे, उत्थे उहनां दी सेवा की, उन्होंने 4-5 सेवा सन। पहली गल, तुसी खुद रहत मर्यादा च दृढ़ बंदगी बाणी का अभ्यास कर रहे, अज भी तुसी जाओगे दमदमा साहब जदों जाओ, बाबा दीप सिंह जी का वो अस्थान है घोड़ा घोड़ा कला, थोड़ा जिहा नहीं तुहां देखे होने दर्शन किए होने, 2 मिट्टी के बर्तन ने, एक च भुजे दाने रखते सन, एक च पानी, तो थले हो जाता सी रस्ता, निरंतर बाणी का अभ्यास उसे कर। हजूर ने कहा पहली गल रहत मर्यादा दिल रखनी, बाणी पढ़नी पढ़ानी, अमृत छकानी, जुल्म दा मुकाबला करना, जदों पंथ नूं लोड़ पै जाए ते खंडा लेके मैदानी जंग नहीं जाना, विद्यार्थी त्याग कर। समा लंघिया जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर आए, बाबा दीप सिंह उत्थे रुक गए, कुछ कु मिलदियां ने होर झलकां, मैं संखेप जी कह रहा, उत्थे इन्होंने गुरबाणी के गुटके लिखने शुरू किए, गुरबाणी दी पोथियां लिखने शुरू की। बाबा बंदा सिंह बहादुर आ जाते हैं सरहंद, जिदन फतेह हुई उदन बाबा दीप सिंह विच सन। रतन सिंह भंगू कहिंदा इस फतेह सरहंद विच बाबा जी का एक दंद टुटा सी, इस लड़ाई विच। उस तों बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर आनंदपुर साहिब गया, बाबा दीप सिंह उत्थे नाल गए, 3 महीने बाबा दीप सिंह जी ने सवेरे शाम कथा की गुरबाणी की इतिहास की। जिस वक्त 3 महीने लंघे तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भरी संगत विच बाबा दीप सिंह जिंदा शहीद का खिताब दिता, पंथ ने जिंदा शहीद का खिताब दिता। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बोल के कहा कि करनी दे कतनी दे सूरे ने, एक गुरमुख ने, एक कथावाचक ने, सूरमे ने, एक उस्ताद ने, सारे शब्द वरते। कहने बाबा जी बैठे सन,
संगत चुट के खड़ा हो गए, गल च पला पा के कहिंदे ने मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है गुरु गोबिंद सिंह दी बख्शां ने, ओदियां मेहरां ने, मेरे बने कुछ भी नहीं। गुरु को उस तो बाद दमदमा साहब आंदे पंथ विच फुट पै गई बंदई ते तत्त। कुछ विद्वान कहिंदे ने बाबा जी नूं समेटण वास्ते पूरा योगदान दिता भाई मनी सिंह जी। फिर दमदमा साहब टिक जांदे गुरमुखो पर जवानी की उम्र च बाबा जी कलम चलाते हैं। हूँ जो आ कह देना भी सिर तली तो रखिया कि मैं तो इस कंट्रोवर्सी पे नहीं, जे रखिया तो रखिया, जिन्हें नहीं मनना तुसी बाबा दीप सिंह खड़ा कर दो ना फिर भी नहीं मनना, जिदी भावना प्यारे ने मनना। चार स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब के गुरमुखी सिक्रिप्ट च लिखे ते वेखो लिख लिया, पहला वो स्वरूप तो दर्शन करते बोलते, फिर कलम ना लिखद बोलते, फिर लिखण तो बाद शब्द बोलते, तीन बारी एक एक तुक नूं बोलते, ते शाम नूं जो लिखा जाता उसदे सारे की कथा करते। वो कथा साडी तरह नहीं सी भी एक शब्द लैके बे संप्रदायिक कथा होंदी है, नाल नाल अर्थ चली जाते हैं, विद्यार्थी पढ़ी जाते हैं। हुण उहदे विच की इह गुरुद्वारे च चाहीदा, मैं कहांगा भाई साहब छुट्टी वाले दिन जिहड़ियां बाणियां नितनेम दियां संगत करदी है एक घंटा लाओ, मान लो दस पौड़ियां कर लो, अच खुल के ना आप सिद्धांत ना बिल्ड कराइए, अखरी अर्थ ही दसी देगी संगत को, पर वो अखरी अर्थ तां दस्यो स्क्रीन के उत्ते अर्थ नहीं लाने, क्योंकि मन बड़ा बैठा वो अर्थ वेखी जाएगा बोलने वाले की कोई सुननी होगी। तुसीं देखियो जे कि छे महीनों बाद पंज बाणियां कर लोगे ना तो नितनेम का रस ही कुछ होर हो जाए। इतने बाबा जी ने चार स्वरूप लिखे ते चार तख्तों पर भेजे। अज भी गुरु रामदास के पुरब वाले दिन सोने की जिलत वाला जो स्वरूप प्रकाश किया जाता है, परंपरा कहती है बाबा दीप सिंह जी का लिखा हुआ, तिना तख्तों पर भेजे। एक केसगढ़ साहब, एक हजूर साहब, एक तख बाद बनया बनाया, पर तीसरा पटना साहब। चार स्वरूप, एक स्वरूप बाबा जी ने फारसी स्क्रिप्ट लिखा, फारसी अखर च लिखा जी, वो अरब न भेजा। कोई सज्जन अरबी कहते अरबी फारसी और उर्दू की लिपि आपस मिलती है, बाबा दीप सिंह इतने प्रचार कर रहे। धाड़वी आते ने धियां भैनों बचा रखे। मैं अज जरा दिन मना रहे हो, दमदमा साहब अट सिंह ने पढ़ाते ने सबन इबादत करते हैं। मैं एक बेनती करा रहा गुरमुखो, मैं कल भी कहा कि असं कहना भोरिया का कंसैप्ट को नहीं, बिल्कुल नहीं, पर यह भोरिया च बैठन वाले नहीं कि माला तमाई जाते जुलम हो पहाड़ा चढ़ जाए, ये भोरिया च बहन वाले जो बाहर निकलते सिर तली के रागे बढ़ते असं किस किस पास अपने अर्थ कर लगते हैं। बाबा दीप सिंह जी उत्थे पढ़ा रहे, अबदाली आया लंघे, इन्हें हिंदुस्तान कुटिया मारिया। मैं दुख लगता जो असी पानीपत की तीजी लड़ाई कुट खाधी उन्होंने, तो वह सारे सुनाते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं नहीं सुनाते जिन्हें 800 साल के राज दी जड़ां पट के रख दी। अबदाली होंगे सिखां ठंडियां करके करते हैं, तो मैं आपको फिर बेनती करा, मैं स्टेज पर कहांगा कभी भी स्टेज पर पंथ की ढेंगी कला का कोई गल नहीं करनी। असी तो संगत को सची मुची मर गए हो कौन नहीं रहना जी, पंजाब खत्म हो गया, वो जिदन सारी कौम मर जाए एक सिख जिंदा रह गया कौम फिर भी चलती करना चाहिए। इस सामने हिस्ट्री है 35,000-30,000 सिख तीन दिन च वे घलू घर वढ़ के रख दिते, बच्चे बजुर्ग बीबिया निहंग सिंह शाम खून च लत पत्त हो जा, कहना अबदाली खोट गया जे तत् बाकी आप बाहर निकल गए मुकाबला कर। मैं इस करके नहीं तुम गोशे सामने हिस्ट्री है थोड़ी, कहते सन सिख खत्म हो गया नाश कर दिता, बीज नाश हो गया, नहीं कभी नहीं हो सकता, हो जाता जे कि पोलिटिकल जमात होंगी, पर जड़ा विच गुरु के शब्द की इबादत है, ये मुनारे गुरु तेग बहादुर की शहादत है।
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਥਾਪਦਾ ਬਾਬੇ ਤਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਦੁਰਾਨੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਲੰਘਦੇ ਮਨ ਕੇ ਦਮਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਹੋ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੁੱਪੇ ਰਖਾਏ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰਿਆਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋ ਹੀ ਆਉਣੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਲਾਏ ਤਾਜ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਕਲਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਡਾ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ 18 ਸੇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਠ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲੀ ਉਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਗਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਸੁਦਾ ਸਰ ਹੇਤ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਗੇ ਹਮ ਜਾ, ਸੁਦਾ ਸਰ ਦਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੀਸ ਸੁਦਾ ਸਰ ਹੇਤ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਗੇ ਹਮ ਜਾਏ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਤੁਰ ਪਏ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੀਸ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚਾਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਕੁਲਾ ਪੀਰ ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾਲ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5000 ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ 8 ਚੱਲੇ, 8-7 ਸਾਂਝੀ ਚਲਮਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ 5000 ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਨਾ ਬਣ ਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਆ ਮੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਨਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਣਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਸਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਕਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੀੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਬੀੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰ ਦਾ ਛਟਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਝੋਲੇ ਤੇ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਤੁਰਿਆ ਉਹਦੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਨ ਬਿਆਨਮ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨਿਮਾਣਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਜੜਾ ਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵੀ ਰਹੇ, ਭਾਜੜਾ ਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਗਾ ਮੈਂ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੜਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਟ ਉਦਮ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਦਾ ਪੈ, ਅਯੂਬ ਖਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੂਬ ਖਾਂ ਹੁੰਦਾ, 20,000 ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ, 5,000 ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਝਬਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਟੱਪੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਕੀਰ ਟੱਪੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਛਾਣਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ 4,00,000 ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸੀਸ ਤਾਂ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। 75 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ 18 ਸਿਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਖੰਡਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਹਾਨ ਖਾਂ, ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਲ ਪੜ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਗਰੂ ਫਰਵਰੀ ਚ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਮਈ ਚ, ਮਈ ਜੂਨ ਲੰਘਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਰਗਰੇਟਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨਿਭਾਓ ਸਿੰਘ, ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਸਮਤ ਰਾਏ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੱਤਰੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਝੜ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿਗਾਲੋ ਵਾਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਪਤ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੌੜਿਆ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਸਰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਮਿਆਨ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਗੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਜੋ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਖਾਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਅਮਾਨ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਰਜ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ।
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 75 ਤਪ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ 35 ਦਾ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਡਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿੰਦਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 17 ਚਿੱਟੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੀ ਤੇਗ ਅਤ ਬੇਗ ਸਿਉ, ਚਲੀ ਤੇਗ ਅਤ ਬੇਗ ਸਿਉ, ਦੂੰ ਕੇਰ ਬਲ ਧਾਰ, ਉਤਰ ਗਏ ਸੀਸ ਦੁਆਂ ਕੇ ਪਰਸ ਪਰੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀਸ ਦੁਆਂ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਦਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫੱਟ ਲੱਗਾ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਠਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ। ਪਠਾਨ ਸਿਰ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਧੜਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੰਡਾ ਬਾਂਧਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਉਹਨੇ ਭਰਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟੈਂਕ ਰੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਟੈਂਕ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਟੈਂਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਰੇਂਜ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਕਿਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਓ ਨਾ ਕਈ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਰਗੜ ਕੇ ਟੇਕੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਚਮੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਜੂਦ ਤੇਰੀ ਜਮੀ ਪਰ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਮੀ, ਇਹ ਬੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਮੀ ਮੀਨਸ ਮੱਥੇ ਦਾ ਆ ਪਾਸਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਜੂਦ, ਸਜਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਿਜਲੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਜੂਦ ਤੇਰੀ ਜਮੀ ਪਰ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਜਮੀ ਪਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ। ਤੇਰੀ ਅਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਲਕੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਲੱਥਾ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਲਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੋਦ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
पर करमा शहीद होंगे ते बाबा जी का संस्कार जिहड़ा है जिथे गुरुद्वारा शहीद है ना रामसर के नाल इत्थे संस्कार किया इत्थे इन्हां दे तन का संस्कार किया उस महान शहीद नूं एक तां उह दमदमी टकसाल दे परंपरा अनुसार उहदे मोढ़ी ने ते शहीदां दी मसल दे पहले जथेदार जिहड़ियां 12 मिसलां सन ना इन्हां विचों शहीदां दी मिसल जिहड़ी है इहदे जथेदार बाबा दीप सिंह वह महान शहीद जिन्हें सचमुच गुरु रामदास के सामने अपना भेट किया उन्होंने याद में तुम एक अस्थान बनाया नाम शहीद रखे तो मैं बेनती भाई साहब रोज कर रहा हूँ याद रखियो इतने वैद मर्यादा का रज के पैरा दिया जी बंदगी हो गए सिमरन हो गए तो सच ये जिन्ना गुरुद्वारे इबादत होगी उन्ना और चेंज हो पर उस महान शहीद अज आप सजदा करना आए हैं। मैं पहली बार इस स्थान पर पहली बार का मतलब शुरुआत कह लो पहली कथा शुरू की दो दिन मेरे को आप जो कथा शुरू की पूरे करा तो बाबा दीप सिंह जी उन्होंने चरणों शहीदों नमस्कार है। शहीद कभी मरता नहीं शहीद मौत मारता फिर सुन शहीद मरता नहीं सात बार संत सब जी है जिन्हों नाम भोगता वो मरता है खोईया भूलों बख्श देनिया आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मलकीत सिंह जी गुरु प्यारे आ गए इन्होंने शब्द की हाजरी पढ़नी आप अपने शब्द सुनना है। मैं तकरीबन अभी पौने दो घंटे ला दिते तो मेरी इच्छा से जी गुरबाणी में चुनी आप जी के दर्शन करा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।